जेहि सुमिरते सिधि होइ, अगन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अमु कहो ही बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सदयाल, द्रवउ सकल कली मल दहन, अनिल सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करउ सम मऊर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सभी के आत्मा जिनसे यह स्थूल शरीर सक्रिय है, काल महाकाल श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जिनके पवित्र सेवक हैं, उन्हीं में विलीन हो जाना प्रत्येक जीव आत्मा का परम लक्ष्य होता और यह सर्वसम्मत सिद्धांत है। मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम, शरीर के अंदर जो मन है वही बंधन और मुक्ति के लिए कारण शरीर। तो मन से जब तक संपूर्ण वासनाएं दूर नहीं होती, तब तक जीव आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करता ही रहेगा। प्रभु श्री राम जी के निष्काम भजन के अलावा और संसार में निष्काम सेवा के अलावा कोई भी कर्म आवश्यक नहीं है, कोई भी कर्म आवश्यक नहीं है। देखें,
आप लोग यहाँ तक अनुभव कर चुके हैं कि जो चरित्र स्वतः के स्थूल शरीर में ना हो वह संभाषण करने का अधिकार किसी जीव को है नहीं। यह कहते ही संसार जगत में प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या आपके अंदर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी या शत्रुघ्न जी, इन सबका चरित्र है? तो जो अवस्था है, जो अवस्था है वह स्वतः के मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए गणेश जिसका संपर्क नंबर है 8573018177 वही बता सकता है। क्योंकि वह ऐसा भगवान का सेवक है जो श्री गणेश जी की सेवकाई को मन कर्म वाणी से ग्रहण कर चुका है। उसके अलावा जो भी शरीर को जानते हैं, लेकिन अन्य जो लोग हैं वे अभी कहीं न कहीं विशेष मनोरथ से फंसे हुए हैं। और जब भी कोई बुद्धि फंसी होती है तो वह कभी पवित्र विचार नहीं कर सकती। आप लोग और साथ में यह बाड़ी जो भी सुने संपूर्ण धरती पर इतना अनुभव कर ले कि श्री राम जी की विशेष कृपा से यह जो डॉक्टर रविशंकर पांडे का चित्त की वृत्ति है वह अनंत की अवस्था में आ चुकी है। अतः संसारिक एवं ब्रह्मांडीय बंधन से बिल्कुल मुक्त है। यद्यपि बंधन युक्त बुद्धि धारक प्राणियों के इंद्रियों, ज्ञान एवं कुतर्क के बाहर की यह अवस्था है। जिसकी बुद्धि बधी है वो इस चीज को नहीं समझ सकता है। तदपि श्री शिव जी पर विश्वास कर अनुभव कर ले कि वर्तमान शरीर का चित्त अंतिम श्वास तक संसारिक यह ब्रह्मांडी वस्तुओं या माया के भावनाओं के लिए एक भी मनोरथ उत्पन्न नहीं कर सकता है।
संक्षेप में संपूर्ण विश्व अवगत हो ले कि धरती के पद जैसे आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर शंकराचार्य महंत या धर्म पराण पंडित आदि की बात ही क्या, देवता देवताओं के राजा इंद्र देवगुरु बृहस्पति या ब्रह्मांडीय ब्रह्मा जी का भी पद, यह डॉक्टर रविशंकर पांडे का चित अंतिम श्वास तक स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक भी दासी या दास वर्तमान डॉक्टर पांडे का चित अंतिम श्वास तक स्वीकार नहीं कर सकता। अंतिम श्वास की बात है यहाँ पर, माने जब तक यह शरीर रहेगा तब तक के लिए। कारण यह है कि शरीर का स्थूल तत्व और संसार जगत की सभी पवित्र भावनाएं और संपूर्ण श्वास श्री शिव जी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा एवं दृढ़ अनुराग के साथ समर्पित हो चुका, ठीक ना? तब अब सफा सफा बात हो गई कि इसी कारण ऐसा संकल्प हुआ है। कफन पिंडदान लोकाचार एवं वेदाचार का भी पूर्ण परित्याग हो चुका है, माने अब इस शरीर को कफन भी पिंडा भी, ठीक ना, हर एक स्थिति के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो यहाँ कारण यह है कि श्री शिव जी की विशेष प्रेरणा से चित अनंत की अवस्था को धारण कर चुका है और सभी आचार व्यवहार यह जीव का धर्म होता है। जीव जो कि काल कर्म गुण और स्वभाव के घेरे में होता है, नहीं हर आदमी का अपन स्वभाववान है तो स्वभाव के घेरे में बा, किंतु वर्तमान डॉक्टर रविशंकर पांडे का चित मात्र भक्ति के घेरे में है, न तो काल न तो कर्म न तो गुण न तो कोई स्वभाव, नहीं मजा आएगा है? कैसे निकल रहे गुरु, अब शंकर जी निकाल दें पंचम भाव तो क्या करवे, अब जेके दिक्कत हो भाई निषाद राज भाई जेके शिकायत हो कि ऐसन काहे करें, वो शंकर जी से जाके शिकायत कर, अब उन्हें ऐसन करे भाई ने में हमार कोनो दोष, यानी कहानी मानी दोष जने शंकर जी यानी बुढ़वा भरोस, ये ने राम सिंह भाई अब शंकर जी ऐसा बना दें तो क्या करी, ठीक है? दूरभाष यानी टेलीफोनिक वार्ता अंतिम श्वास तक संभव नहीं है, ठीक। निजी इच्छा वो तो उत्पन्न करने का जगह ही नहीं रहा, दूसरे की इच्छा शुभ इच्छा अशुभ इच्छा एवं बंधन कारक कर्म अंतिम श्वास तक वर्तमान शरीर के द्वारा
संभव नहीं। आज शायद श्रावण का चौथा सोमवार भी है, तो श्री महादेव जी का शपथ है कि मात्र उन्हीं की प्रेरणा से परमहित यानी भक्ति एवं मोक्ष हेतु कर्म हो सकता है। बाकी जीभ नाक आंख कान चमड़ा धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा पाने की कामना से अंतिम श्वास तक कोई भी कर्म नहीं होगा। इसके अलावा आश्रम हो मंदिर हो या घर हो उसकी देहली देवड़ी जी के कहल है अंतिम श्वास तक यह शरीर पार नहीं कर सकता है। ठीक, और अंतिम श्वास तक मात्र निष्काम भजन मानस पूजा और निर्भरा भक्ति यह पवित्र उद्घोषणा भगवान शिव जी की प्रेरणा से हो रहा है और यह उद्घोषणा करने वाला डॉक्टर रविशंकर पांडे के स्थूल शरीर से प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुपकार की मुक्त आत्मा है। इन सब बाड़ियों के पीछे मात्र इतना ही प्रेरणा देना है संसार जगत को भगवान भोलेनाथ का कि सात धातुओं जैसे शुक्र वीर्य मज्जा चर्बी अस्थि हड्डी मेद मांस रक्त और रस से निर्मित अपवित्र क्षणभंगुर परंतु अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर जीव आत्मा की यात्रा का मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। अतः परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु धरती के सभी मनुष्यों को पवित्र भाव से विचार करना चाहिए। ठीक ने, और यह विचार करने के लिए जो श्री राम जी की गीता यानी आदर्श वाणी पहले भी दिया जा चुका है उसको बार बार सुनने से अवश्य यह विचार उत्पन्न हो जाएगा और पवित्र बुद्धि से विचार कर प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है अपना मार्ग स्थिर करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब तक कोई किसी भी कामना से बुद्धि फंसी रहेगी तब तक उसी कामना का ही त्रिज्या यानी रेडियस लेकर उसी कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहेगा शरीर। जैसे गाय को किसी रस्सी से बांध दीजिए, ठीक ना, तो इच्छा हो गया खूटा, इच्छा का बा खूटा और लालच का बा रस्सी और यही में बुद्धि रूपी गाय सब कर बधा। ऐसा धरती पर एको प्राणिया नहीं बान जेकर बुद्धि लोभ रूपी रस्सी के द्वारा इच्छा रूपी खूटा से न बधा। सरजू भाई, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है
जिसका इस शरीर के साथ कभी संपर्क नहीं हुआ और उसके अंदर यह अवस्था है, तो उसके सन्मुख आते ही यह शरीर हमेशा के लिए मौन हो जाए। किन्नर कैलाश पर भगवान श्री शिव जी की प्रेरणा से अनुभव हुआ कि आज धरती पर एक पुरुष तक नहीं है, महापुरुष की बात छोड़िए, आज नहीं, कलयुग में जितने संप्रदाय और धर्म के नाम पर कुमार्ग रचे हैं उसमें भी कोई पुरुष नहीं है, नहीं रहा, चाहे वो गौतम बुद्धा हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे महावीर हो, चाहे मोहम्मद हो, या तो और भी जो पंथ निकाले हैं, ये सब आर्य समाजी है, ये सब जो क्या ब्रह्म कुमारी, ये सब मात्र कामना और कपट के भाड़े के नौकर हैं। अगर इनकी बाड़ी कट जाए धरती पर, इनका गर्दन उड़ा दिया जाए, ठीक न राम खिलौन भाई, बाकी सारी बाड़ी आप पूरे विश्व के सामने खुला हुआ रख दीजिए। और जिस दिन क्षत्रिय एक भी वीर पुत्र आदर्श क्षत्रिय धर्म पर स्थित हो जाएगा, उसी दिन से पाखंडियों का नाश होना शुरू हो जाएगा। ऐसा अनुभव हो रहा है कि श्री राम खिलावन जी वह व्यक्ति धरती पर हो सकते हैं। अब बाकी अब श्री राम खिलावन जी समझे, क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति है जो कि संकल्प लेकर श्री राम कथा को धीरे धीरे पूर्णावति की ओर आगे बढ़ा रहे। पहला व्यक्ति था वो तो गाने की लालसा में वो बह गया, माने उसको संगीत से प्रेम हो गया, श्री राम जी के चरण से नहीं, क्योंकि श्री राम जी के चरण के अलावा ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु से प्रेम है। पंचम भाई, तो मामला ठीक नहीं है, ठीक ना? हाँ, आगे कथा बढ़े उसके पहले समझ ले कि यह जो ब्रह्मा जी का प्रपंच है, इसमें आप जानते हैं कि ये पूरे 48,803 गुण सूत्रों का संशोधन कर चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं, ओ इतने गुणसूत्र ए मात्र चार इकाई के बने हैं, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, और इन्हीं चारों के कारण अनेकों प्रकार के बुद्धि वाले प्राणी, मात्र चार, पांचवा नहीं है, मात्र चार के ही सहयोग से, ठीक ना? और देखेंगे तो इंद्रिया अभिस्थिति है कि स्थूल तत्व का वो सूक्ष्मतम इकाई है, ये जो एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन की बात है, ठीक ना? वैसे तो परमाणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब जानते हैं। अब देखिए इतने से इतने प्रकार के जीव इतने बन गए हैं कि कोई के मन कोई से पूरा का पूरा मिलत, पंचम भाई,
ऐसा एको व्यक्ति धरती पे मिला बा जैसे तुम्हारा पूरा का पूरा मन मिल गया? नहीं मेरे वो से नहीं नहीं ने देखे जन बात बात सही सही बा पूरा का पूरा मन मिलत चारे के वजह से है। अब देखो भोजन के 6 रस होते हैं, कितने? 6 रस, कड़वा, कड़वा जानल है, कड़वा बदे आंवला, आंवला कड़वा लगला नहीं कि मीठ लगला, कड़वा, तीखा मिर्ची, मीठा गुलाब जामुन, कसैला, कसैला जानल है, करेला है, खट्टा और नमकीन। अब ये 6 जो भोजन के रस है, अब इससे कितने प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं? जब 4 से इतना प्रकार का मन बन सकला तो 6 से कितना प्रकार के व्यंजन इतना प्रकार के बन जाए कि एक आदमी करोड़ों जन्म ले तब तबो भोग पूरा न कर पाई ने। ठीक उसी प्रकार साहित्य के 9 रस होते हैं, साहित्य के 9 रस, श्रृंगार नहीं जहां श्रृंगार वाला वहां मन लगा न, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभस, अद्भुत और शांत। अब ये 9 रसों से कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाएगी, सबका भोग कर पाएगा एक शरीर? नहीं। और उसी प्रकार इंद्रियों को सुख का आभास देने वाली ब्रह्मांड में बहुत सी वस्तुएं है। तो भैया देखे एक बार में वारा न्यारा कि जो स्थूल तत्व है उससे लगाव खत्म, चाहे वो सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी हो, उनमें लगाव रही, स्थूल तत्व में यदि लगाव होगा, सीधा सीधा जान लीजिए कान बिल्कुल खोल के, तो कभी भी पवित्र श्रद्धा चित्त में उत्पन्न, जितना लगाव रही उतना कपट रही। और भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अब बिनु मही गंध की पावई कोई। ठीक, तो जब तक स्थूल तत्व में लगाव रहेगा तब तक कोई श्रद्धा पा नहीं सकता पवित्र, यानी बाकी देखबा तो कुल मेरुआ नौटंकी करौली लेके फूल डोलची चल दी है शंकर जी के मंदिर में, नहीं उन्होंने के ज्यादा भीड़ लगला, मनई तो कहीं जहिया काम के न तो पंचम भाई अपन मछली उछली लेके गए, कुछ कमाई है तो हमने लड़का कही है, और मेहरारू लोग सज धज के चल रही है स्वामी जी की यहाँ, पति के सामने सज धज के कम आई है पंचम भाई, ऐसा बात कि नहीं? अरे यार तू परिवारिक आदमी है ना, पति के सामने सज धज के बहुत कम आई है, लेकिन वहाँ पाखंडी स्वामी के यहाँ जाए कोई तो खूब वह ओठ लाली लगा करके काजल लगा के
ऐसा चाहिए जैसे लगा था कि क्या करा जाता है इन भैया। हाँ, जबकि इतना समझ ले कि माता अनसुईया जी जानती हैं कि हमारे पति ही हमारे राम हैं, और प्रभु श्री राम रूप में अवतार लेते हैं, वनवास होता है और अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, लेकिन माता अनसुईया उनसे मिलने नहीं आती हैं। ठीक ना, इसीलिए नारियों को बस एक बार में साथ साथ इतना नहीं बुद्धि है कि हमारे पति भी के अंदर भी तो आत्मा है, हैं? बिना आत्मा के चल रहा है? हाँ, इतना नहीं बुद्धि बा, और तबो कहीं हम बुद्धिमान है, सबके नचावा था इनने। तो देखिए सीधा सीधा व्यवस्था है, ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि सभी माताएं बहन बेटी इस बात को समझ ले कि वे मात्र श्रद्धा और सम्मान के लिए हैं, और उनका बाजार में निकलना यह जो है वेश्याओं का कर्म है। नारी घर के सम्मान होती है, उनके लिए घर की जरूरत होती है, मनई के लिए घर के कौन जरूरत बा? देखो ये शरीर बा नहीं, उखाड़ा बैठा बा, कोनो दिक्कत बा नहीं। घर घरवा के जरूरत में रुए बदे ओला नहीं राम सिंह भाई। तो यह जो प्रचलन हो गया कि हर नारी को जो है संसार में हर पोजीशन चाहिए, कलयुग का प्रभाव है। नारी मात्र श्रद्धा और सम्मान के लिए है, और पति के अलावा उनका चित्त कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि कहीं चित्त जा रहा है, ठीक ना, तो इसका अर्थ है कि वे अपने धर्म से बहुत दूर है, और जो मन बाड़ी कर्म से अपने पति की पवित्र भाव से सेवा करती है उनका तो मुक्ति बहुत आसान है। तो खैर ये सब वाणी मात्र प्रेरणा के लिए पहुंच रहा है। धरती पर जो ऐसा नारी करेगी वह मुक्त होगी, नहीं तो फिर 84 लाख में भटके। ये ना भाई, तो आप देखे कल कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ जी इसीलिए दशरथ जी का कुल पुरोहित बनना स्वीकार किए, क्योंकि उनको पता था यहाँ प्रभु परम पिता परमात्मा का अवतार होगा। ठीक ना, और प्रभु श्री राम जी नर चरित्र ऐसा किए कि ब्रह्मा जी की बुद्धि रखने वाले गुरु वशिष्ठ जी के भी हृदय में मोह व्यापने लगा। नहीं, एक पुत्र अपने पिता का पूरा बुद्धि ले सकला नहीं, बचपन से खिलावत है, कुल बात नहीं बता सकता बिटवा के। ठीक ना, तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता जाने। ब्रह्मा जी अगवा देखवे कहिए कहे बहन कि प्रभु का माया बड़ी दुस्तर हो, और ते बहु बार नचावा मोही। ब्रह्मा जी कह रही हमहू के नचाएबा जाने गरुड़ जी से। नारद जी के भी नचाए बा, और शिव बिरंचि कहा मोही। शिव जी और ब्रह्मा जी के भी मोहित, जहां अभिमान के तन्नी सायन सायल जने वहां जो हम माया दबोचेस। यही सब हुआ एकदम सरल। आत्मा से शरीर चलाता हम कुछ भाई, तो जे पक्का कर ले
ठीक ना, वह भवा जो है कि श्रद्धा पक्का करी, धर्म के रास्ते पे चली, तब आगे बात। तो अंतो गत्वा वो यही मांगे प्रभु से कि प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरा परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग हो। तो दृढ़ अनुराग का अर्थ यही है कि प्रभु के चरण के अलावा किसी भी वस्तु की इच्छा, तो अगर लगाव रहेगा तो इच्छा नहीं होगा है? तो यानी स्थूल तत्व से कोई लगाव न हो, जो जगह मिला है वहां पवित्र सेवा दीजिए और कोई लालच मत। पंचम भाई दिक्कत बा, तो लालच कर बे अब। हाँ, ये मत समझो कहे कि शीशा दर्पण मिरर कहले अंग्रेजी में जाने, वो सफा रही तो कोई अंगूठा छाप भी अपन मुंह न देख ले है? तो यहाँ ये कहे के जरूरत नहीं बा कि गुरु हमरे पढ़े लिखे नहीं बा, बुद्धि नहीं बा, एकर कोनो अब जगह यहाँ सफा सफा बात बा कि कोई से कोनो लालच नहीं करेगी बा। पत्नी खाली श्रद्धा और सम्मान बदे है, लड़का के मतारी के सेवा दे, कहीं कोनो लालच मत रखो। लड़का के अच्छा बच्चन के संस्कार दे और वह के यह सिखावा यह काम बा। और जवन सेवा होता हो जाता, सेवा का अवसर मिला बा, ओकरे बदे शंकर जी के ने जने उनके कृपा के प्रणाम करल करे कि प्रभु आपके कृपा से हमें सेवा का मौका मिला था जने। तो कहे कि महाराज घामे घामे साइकिल लेके परेशान होता है, कहे कि अहम भाव के कारण ही ऐसा होला। अहंकार बा तब शरीर मिला बा जने, तो मिला बात है इतना बढ़िया जो है सेवा करो, ठीक ना? तो अब देखिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सब लोग तो वही मांग रहे हैं, शंकर जी तो त्राही त्राही कर रहे हैं प्रभु मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं कि हमारा यह दिव्य शरीर व्यर्थ है ब्रह्मा जी, ठीक ने? और वेद भी पार नहीं पाते, और आज ऐसे परम ब्रह्म की लोग उपहास उड़ाकर अपना कामना और कपट से जो प्रदूषित बुद्धि है उसी से कल्पना कर करके अनेकों संप्रदाय और अनेकों कुमार्ग प्रचलित कर दिए, और उसी को लोग धर्म समझ के अपना जो है मनुष्य का जीवन नष्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना? हाँ, तो ऐसा हो रहा है, एक कलयुग का प्रभाव है। अब यह है कि जिसको धरती पर बुद्धि का अगर अंश थोड़ा भी बचा हो, इतनी बात समझ ले, फिर अपने जीवन को बना सकता है। और यह सिर्फ मात्र शंकर जी के प्रेरणा से बाढ़ी जा रहा है, यहाँ पर किसी से कुछ लेना देना। तो आकर के नारद जी पूरा गुणगान करते, और ऐसा गुणगान करते हैं श्री राम जी का सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति, ठीक ना?
निष्काम भाव से एक बार भी प्रणाम कर लेने पर प्रभु ममता का नाश कर देते, ठीक ने? तो हम खत्म करबे तब ने। और कल का प्रसंग में आप देख लिए कि खूब वर्णन करके नारद जी कहे अंत में कि प्रभु आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। और हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा, अहंकारियों से कोई मतलब नहीं, जो शरण में है मात्र उन्हीं की रक्षा। तो श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके नारद मुनि जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर ब्रह्मलोक को चले, ठीक ने? तो काल कह रहे हैं जात के कि अब यह कोरा बुकरे नीचे ये न भाई। ठीक, तो आज दोहा नंबर 51 के आगे का प्रसंग बड़ा विशेष है, ठीक ने? उसको अच्छे से समझें, क्योंकि यह श्री शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं। तू सुबह शिवरात्रि पर बरती रहल है, ऐसे कि समझने पार्वती जी के लड़का है याने? लेकिन ये शरीर जो है शिवरात्रि पे जो है कि जम के प्रसाद खाला, चाहे कि शंकर जी के तरफ से बराती याने? हाँ, और समझने घर आती भाई शंकर जी के सेवक है ने, तो फिर बरती रही है। अपन उड़ाई है चाप के नहीं, ऐसे ही कोई पूछा ला कभी शिवरात्रि पे अगर शरीर बा, क्या शिवरात्रि है बाबा जी से पूछ ले कि फलाहार करिए कि खाइए पिए, ऐसे ही जो न भाव में और का इन्हें कौन अब काटे पीटे के रहेगा, नमक रोटी और बहुत ज्यादा प्रेम होते के हरियर मरचा जाने। अब बाकी भाव से लिया होता है तो दहियो खा लेता है नहीं? तो गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मोती जथा। श्री शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा, विशद माने परम पवित्र, जिनमें थोड़ा सा भी मिलावट, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। नहीं ठीक, और रामचरित सत्य कोटि अपारा, अश्रुति शारदा न बर न पारा। वैसे तो श्री रामचंद्र जी के चरित्र
100 करोड़ यानी अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। वेद और सरस्वती भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन देखो जोने भाव से कथा भा तो देखो बुद्धि स्थिर होएगा कि नहीं। अब ऐसा कथा जेके वेद भी पार, लेकिन आप लोगों के मार्ग मिल गया सरजू भाई, कहीं कोनो कमी तो नहीं बा, मुहे पर नहीं बोले कि बा पक्का पक्का, कहे कि जीते जीते मुक्ति का अनुभव हुए के ये ना निषाद भाई। तो भाई देखो अब जब तक जो है ब्रह्मा विष्णु शिव जी के अंदर में हृदय में धारण न करवे तब तक की अवस्था पंचम भाई कहे कि तो सजन रामायण भक्त बहन। तो राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमानी, राम अनंत अनंत गुणानी अजर्म जन्म कर्म अनंत नामानी, अजल सी कर मही रजगनि जाहि रघुपति चरित न बरनि सिराहि। बताओ अब भ्रम कहीं बा नहीं? मुड़ी जाओ तो मुंह से बोलो नहीं ने? परम पिता परमात्मा श्री राम जी अनंत है, क्या है? जब वे अनंत है तो उनके गुण भी अनंत है नहीं, जिनका अध्यंत नहीं है। जन्म कर्म और नाम भी अनंत नहीं, कितना बार जल जो भी ब्रह्मांड के अंदर है जने जल की बूंदे और धरती के धूल के कण चाहे गिने जा सकते हो, मुश्किल बने धरती के जो धूल बा एकर एक एक कण गिने जा सकते, जितना जल है सबका एक एक बूंद अगर गिना जा सके तो गिन जाए ठीक। पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से कभी खत्म होने वाले है? कुल रचसवन कहिए कौन रामायण चला था भैया, छठवा महीना लग गया नहीं? अरे करोड़ों करोड़ों जन्म लेके गई वे तब वो पूरा हुआ वाला है बात बैठावो तो बैठावे का मतलब एक है चरित्र बैठावो और सबके यह जोर बा कि जो एक चरित्र बा समस्त सुख भोग के इच्छा का त्याग पक्का। यह एक चरित्र बैठा ले देखो कुल अपने आप पर लगभग जो हो आनंद में एकदम आनंद के समुद्र में आ जी दे याने? ये ने अरे जिनके प्रताप से समुद्र पे पत्थर भी तैर गए ठीक ने, तो वह नर मूर्ख है जो प्रभु श्री राम जी को छोड़कर किसी अन्य को भजता है।
यही ने कहीं दिक्कत तो नहीं बा। साफ साफ बात बा भाई, का साफ साफ बात बा, कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण अते मति मंद जराम तजी भजही जाई प्रभुआन। मने श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि मंद है, उनकर बुद्धि मंदा हो, समझे, माने औसत के बहुत नीचे है। आप लोग भी देखिए, यही भवसागर पर विषय रूपी पत्थर लेके डूबे हुए थे, अब देखो तैरे लगला कि नहीं, समझिएगा, क्योंकि कनेक्शन लगा लीजिए, डूबे रहला, ठीक ना। तो विमल कथा हरी, विमल कथा हरी पद दायनी, विमल कथा हरि पद दायनी अभगति होई सुनी, भगति होई सुनियन पायनी। यह पवित्र कथा प्रभु श्री राम जी के परम पद को देने वाली है। इसके पवित्र भाव से सुनने से, माने कपट त्याग के सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती जो कभी विचलित न हो। लेकिन कपट त्याग के सुनबे तब, उमा कहियूं सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खग पति ही सुनाई। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, ठीक ने। तो जिसको भी भक्ति प्राप्त करना हो यह कथा छल कपट का त्याग करके पवित्र भाव से सुने, उसे अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो कछु के राम गुने कहे ऊ बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। जरे श्री शिव जी कहते हैं कि मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे है ने? हे भवानी सो कहो कि अब और क्या कहूं, ठीक ना भाई, इतना सुने, इतना माता पार्वती जी सुनी तो सीधा पूछ रहे शंकर जी कि भवानी अब बताओ अब और क्या कहूं। जने तो सुनी शुभ कथा उमा हर सानी,
अब बोली अति विनीत मृदु बानी। तो श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। यानी यह कथा सुनकर जो भी नारी हर्षित नहीं होती वह मात्र माया की दासी है, उसके अंदर श्रद्धा भाव का बीज नहीं है। ठीक, तो देखिए विनम्र और कोमल वाणी क्या कहती है माता पार्वती जी कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी असुने उ राम गुण भव भय हारी। कहती है कि हे स्वामी त्रिपुर राक्षस के अरि मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। देखो अब जन्म मरण के कहाँ भाई बा सरजू भाई बा कहा भाई तेरे को नहीं ने? ठीक ने? तो माता पार्वती जी धन्य है तो सरजू भाई भी धन्य है, अगर नहीं है तो अभी कुछ बा का स्थूल शरीर का क्या मतलब रहेगा। तो तुम्हारी कृपा कृपा यतन अब कृत कृत्य नमो अजाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। और माता पार्वती कहती है कि हे कृपा धाम अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई माने मुक्त हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। अब देख ले भाई अब यह पक्का हो जाए के और ये बाड़ी जो भी जहां सुने वो समझ ले कि ये बाड़ी या शरीर उन्हीं के लिए कहा है। ठीक, और अब तक की कथा सुन लेगा जो पवित्र भाव से छल कपट त्याग करके उसका मोह अवश्य नाश हो जाए। और माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई गया जान थोड़ा चित के इसी रखो। ठीक, तो उसमें जान गई ले तो बस उन्हें हृदय में रख ले, रखते कुल काम। तो नाथ तवानन शशि स्रवत अकथा सुधा रघुबीर अश्रवण पुटन ही मन पान करी नहीं अघात मति धीर। जाने राम सिंह भाई माता पार्वती जी कह रही हैं कि हे नाथ आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता। ठीक ने? आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री राम जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे धीर बुद्धि वाले प्रभु शिव जी मेरा मन कर्णपुटों से
उसे पीकर तृप्त नहीं होता। माने कन्वे बा दोना, यही से पियता है, वो पहुंचत कहाँ बा मन में, और बुद्धि सब सही सही जने। सरजू भाई तो रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्हे नाही। अजीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, ठीक ना, कि अब सुने के जरूरत नहीं बा, यानी बस कर देते हैं। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। ये ऐसी कथा है कि सुनते रहे लेकिन कभी तृप्ति नहीं होनी। अगर तृप्ति हो रही है तो इसका अर्थ है कि आप इस कथा का विशेष रस जाने नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि है, जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी श्री भगवान यानी श्री राम जी के गुण निरंतर सुनते रहते। तो सुनावे वाला ये अवस्था में के बा, तो ये कहतो बान, सुनतो बान, समझतो बान, वही में बान कि कहीं भरे बान, ठीक ठीक ना। तो जान लीजिए कि भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कहां दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर पार पाना चाहता है उसके लिए श्री राम जी की परम पवित्र कथा दृढ़ नौका के समान है, यह कभी डुबाने वाली। देखो अब कहां डूबे है, हाँ लग गलबा किनारे आ जाए, बस इतने पानी में रहो, कोनो जरूरत माने इतने पानी का अथवा कि खाली शरीर और कर्म संसार में होता लेकिन मन नहीं। तो हो ले भाई राम जी भाई, देखा ऑलराउंडर आदमी रहा है, इतना बुद्धि बचा बा कि नहीं, इतना बचा बा, अरे तब तक काम हो ही जाए, ठीक ना। अब विषय न कहा पुनी हरि गुण ग्रामा अश्रवण सुख दयरु मन अभिरामा। श्री हरि यानी श्री राम जी के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले जाने। तो यहाँ कान और मन बदे काम न हुई, काम सीधा जोन होता वो जीवात्मा के मुक्ति बदे, ये ने विषयी लोगन के भी अच्छा लगल जाने। अब समझ ले आज कि श्रवण वंत असे को जग माही जाहिन रघुपति चरित सोहाही। अते जड़ जीव निजात्मक घाती जिनहिन रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला जिकरे पास कान हो, ठीक ने, जिसके पास कान हो
ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते? यही से देखो पक्षी लोग भी आके काव काव करे लगल ने, सबको अच्छा लगता है। और जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती जने, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, ठीक ना? तो सीधा समझ जाइए कि जिनको यह कथा अच्छी नहीं लग रही है वे मात्र आत्महत्या करने वाले जीव हैं और उनके पास सिर्फ पाप की गति है, बाकी कोई गति है तब वो लगाओ रखवे। ए माता पार्वती जी की बाड़ी, तो हरि चरित्र मानस तुम गावा असुनि में नाथ अमिति सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई अकाग भूसुंडी गरुण प्रति गाई। माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से कह रही है कि हे नाथ, क्या कह रही है पंचम भाई तोरो मेरा रू तुके कहला हे नाथ, अगर नहीं कह तो के सीखे के तब न पार्वती बनी कैसे ही कहला कि नहीं पंचम भा हर बदल जात कक रहे तो जे मेरारू अपने पति के हे नाथ कह के नहीं बुलावत जने, तो मेरारू के अंदर वो श्रद्धा भाव और जे सुना वो अपन तुरंत के सुनता शुरू कर दे तनको देर जाए दे न कही है ठीक तो बोली कि हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया माने किए, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया, मतलब मुझे अपार सुख मिला। आपने जो यह कथा कहे कि यह सुंदर कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी जने, यह बात सुनकर हे नाथ, ध्यान से सुनिएगा, यह बात सुनकर हे नाथ विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। हे नाथ, सो कौवे का शरीर पाकर केकर कौवे का शरीर पाकर भी काग भुसुंडी जी बैराग ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है स्थिर, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है, इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा। अब वही कहने की हमरे मोह नहीं बा, अब जैसे ही बात आगे आई वैसे ही परम संदेह नहीं
कौआ से बढ़ के लालची के बा, उ देखत होबा तो उ पड़िया पड़वा का आंखों निकाल के खा जाला ने। हाँ, और ओके भगवान के भक्ति है तो यह सुन करके हे नाथ मुझे परम संदेह, ठीक ना। अब देखिए समझिएगा यहाँ पर, मुंह से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माता पार्वती 5000 साल तपस्या की है तब फिर उनको शंकर जी प्राप्त हुए हैं। तो तपस्या की है तो उनको बहुत ज्ञान है जो कि आज के नारियों के पास तो कहीं सपने में भी नहीं होगा। तो आप लोग विचार करके देखिए जितना ये 5.5-6 महीने का अनुभव हो रहा है उसमें देखिएगा कि यह चित्त कहाँ है, ठीक ना, कहाँ है, इसका सही सही पहचान करिएगा। क्योंकि माता पार्वती जी कह रही हैं कि नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी अको एक होई धर्म व्रत धारी। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ एक हजार नर शरीर में कोई एक ही प्राणी होता है जो धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लेता, कितना 1000 में एक, ठीक ना। तो धर्म का अर्थ क्या है, वही शरणागत भाव, निष्काम सेवा, सम मन निग्रह, दम इंद्रिय निग्रह, अहिंसा अस्ते अपरिग्रह, धीरज क्षमा, ब्रह्मचर्य, सत शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और परहित, ये सब धर्म। तो इस रास्ते पर चलने वाला 1000 में कोई एक प्राणी संकल्प लेता है, ठीक। अधर्मशील को टिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। ऐसे एक एक करके जब 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ माने 1000 में एक बा, तो 1 करोड़ का मतलब कितना होगा कि 1000 करोड़, 1000 करोड़ में कोई एक पुरुष होता है जो कि सांसारिक विषय से विमुख, सांसारिक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता, माने वह सांसारिक विषय सब हो गए, धन वंश चेला नाम पूजा प्रतिष्ठा ये सब सांसारिक विषय है, जीभ नाक आंख कान चमड़ा ये सब। हाँ, तो 1000 करोड़ में, ठीक ना, यानी कि 1 करोड़ जो धर्मात्मा है उनमें कोई एक प्राणी होता है
जो कि ये दसों के इच्छाओं के बाहर वैराग्य परायण होता। देखो जा की शरीर कहाँ बा, ये आप लोग समझो, ठीक ने सरजू बा, देखा खोपड़ी फटी न ने क्या, कितना सागर मिल गा बा, नहीं तो 1 करोड़ धर्मात्मा में से कोई एक होगा जो कि सांसारिक विषय से विमुख और वैराग्य में परायण होगा। तो जो जिसमें प्राण रहेगा उसी के बात करेगा ने? नहीं। अब ऐसे ऐसे वैराग्यवान में भी कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कहई असम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ऐसे ऐसे करोड़ों वैरागियों में कोई एक प्राणी होगा जाने? माने 1000 करोड़, ठीक ने, 1000 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 1000 तो हाँ, तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ पुरुष में ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं कि 1000 करोड़ यानी करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है ना, एक व्यक्ति। और यहाँ देखबा तो कुल जो ना छिटवा का छिटवा बाबा जी गुरु बन के बैठा बाय जने। तो वो ज्ञान से का होला ना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। और ऐसे ही जब करोड़ों ज्ञानी होंगे जने, तो ज्ञानवंत को टिक महको जीवन मुक्त सकृत जग सो। घबराया मत जने, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में एक कोई होगा जो जीवन मुक्त जने, कि पत्थर पड़े चाहे पानी जने, और चाहे सरजू भाई के नन्ना के मरे नानी, ठीक ने, कौनो प्रभाव राम सिंह भैया सोचे रहे कुछ और कहेंगे, अरे नहीं ठीक ने, लेकिन कौनो प्रभाव, यह जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है। अब 1000 अब करोड़ जीवन मुक्त का बात नहीं बा, 3000 महू सब सुख खानी दुर्लभ ब्राह्मलीन विज्ञानी। वह समाधि 27 दिन वाला जो मिला रहा, ऐसे 1000 जीवन मुक्तों में, 1 करोड़ जीवन मुक्त में नहीं, 1000 जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ, माने वो पाया ही नहीं जाता, ऐसे समझ लीजिए जो अवस्था मिली किन्नर कैलाश पर वह पाया ही अति दुर्लभ बताओ तन्ने। जाने
देखे भाई अब तू सब अब जहाँ तक भाई वहाँ तक आवे तब तो बात बनी या नहीं धर्म पे चला गया प्रेरणा मिल गल नहीं देखा मतलब हजार में एक हो गई ले ठीक ने और जब सांसारिक विषय से पूरा बैराग हो जाई ठीक ने तब 1,000 करोड़ में एक हो जाइबे नहीं अरे नहीं कोई का समझ पाई भाई लेकिन समझो आप लोग समझ कहो तो भाई कि हमने समझ जाता है गुरु है तो अति अति दुर्लभ बने व्यवस्था और सुनो धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी और सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया और आगे बढ़ो भाई खोपड़ी न फटे इतना ध्यान रखे लेकिन कैलकुलेशन करे जरूर कि आखिर कहीं के बा तो हजार क्या कहते हैं धर्मात्मा जब ये धर्म पे चले लगल तो धर्मात्मा बन गल पाप आत्मा से तो तुझे बन गई लाभ कि भाई हमें देखे कच्चा बाड़ी मत बोले अब धर्म पे चले के बाद ठीक ना धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्मलीन ये सब तो बा ऊपर का अवस्था इन सब में भी माता पार्वती जी कह रही है कि हे देवाधिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है अति दुर्लभ अब अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति में परायण है मद और माया से मुक्त होकर मात्र भगवान के भक्ति में परायण हो ऐसा प्राणी अत्यंत दुर्लभ अब देख लो भवा क्या कोई समझ पाई खिलावन भाई सब जने तो औघड़न से जोनों की जप तप करावता है महाभरम बल है जने अब इतना बड़ा व्यवस्था बा अब मन ही जो है देखे इतना मेहनत करे पड़ता है पाप आत्मा से धर्म आत्मा देख रहे पहले पाप आत्मा रह ले कि नहीं नहीं ठीक न तो देखे माता पार्वती जी के परम संदेह बा पकड़ो बात बड़ा गहरा बा जने तो ही इतना दुर्लभ बा और वो स्थिति बा का घुसुंडी जी के नहीं रवि गुरु का कहा बा एक नीचे बा भाई तो राम परायण ज्ञान रत अगुनागार मति धीर अनाथ कहूं के ही कारण पायऊ काक शरीर यह परम संदेह बा कि हे नाथ पंचम भाई
माता पार्वती जी का कहता है कि हे नाथ कहे कि ऐसे श्री राम भक्ति के परायण ज्ञान निरत माने जिनका चरित्र बाणी सब ज्ञान से पक्का हो, समस्त सद्गुणों के धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाए थे या पाए हैं, ये परम संदेह है ना कि ये ऐसा नहीं हो के कौवा का शरीर मिली और संदेह के बाद बतलो बा नहीं। तो पहले तो आज बुद्धि में ही सब समझ जाए कि इनकर कहाँ अवस्था बा। तो बतावे अब के चलाक बा जे मछली लेके घामे घामे दौड़ा था और सब अपने आप के कहे ना हम चलाक है कुछ नहीं, इतना मेहनत करे के बाद तो पाप आत्मा से धर्मात्मा बनता है। और बैराग रूपी फूल कब निकली तो कब प्रभु के चरण में पड़ी एकर कहा भाई ठीक न। तो यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा अब कहू कृपाल काग कह पावा और तुम के ही भांति सुना मद नारी कहूँ मोही अति कौतुक भारी। माता पार्वती जी कह रही है देखिए इतनी ज्ञान उनको है साधारण बात बा कौने मेरा रू कितना पता बा ओके तो पता बा कि हमरे लड़की के कैसे ब्याह हो तू ही नहीं सोच आता है हमें ही कुछ सुना होता है नहीं। तो माता पार्वती जी कह रही है कि हे कृपालु बताएं कि उस कौवे ने प्रभु श्री राम जी का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहां पाया नहीं है। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना जने मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा। यद्यपि भगवान शिव जी के ही रचना बा और कहां से सुनिए ब्रह्मा जी के ऊपर शिव जी के व्यवस्था बा जने तो उन्हें तो सब पता है बा ने तोरे गोड़े में चूटी काटला तो पता लग जाला नहीं हाँ। लेकिन अब देखो यहाँ यहाँ तक तो पहुंचे के बाद भी अज्ञानता के बाड़ी बा लेकिन शिव जी के अच्छा लगा तो ठीक ने का जी महाराज। जी महाराज का अर्थ ही बा कि जितना कौतूहल माता पार्वती जी का इतना कौतूहल अंदर होवे के तब तो जी महाराज जने नहीं वो खाली नानी के कहानी सुन करके ना हा दादिया हा नानिया उसे काम ना वही प्रभु जने ठीक ने। राम जी भाई एकदम पक्का जो है जनक जी का रूप रेखा दिखा था जने जनक जी है रहन ने भोग में योग जगाए रहन एमए राम जी भाई के खूब सहायता करो ई जगावे के ताकत बा यहाँ। हाँ खाली मुँह से नहीं हर प्रकार से ठीक ने ठीक। तो इतना कौतूहल हुआ के चाहिए तो पहले वो कौतूहल के अंदर रखे रहो और समझे एक एक कौखो गौखो सीखो गोला बनावो सीखे खड़ा पाई खींचे सीखे और लटकावो सीखो वो बात वहां से बा राम जी भाई
बारीकी बात है खा कोई रामायण समझी का समझाई बुद्धि सबकर बात बिकल खाली जो है नाटक करिए कि हमें पता होगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम ईश्वर अंश ही झूठे उठवाता है पायन पाप आत्मा नहीं कहे कि असली में जो तुहार भाव और मन का अवस्था हुआ तुहार रूप शरीरिया चमकावश का हुई ठीक ना और माता पार्वती जी कह रही हैं देखो पकड़ा जाए कि एक शब्द अब वही से जा बचपन में जा और देखो गोला सही सही बनावो सही सही पाई खींचो और सही सही लटकावो फिर माथा भरे तब का लिखाई खो तब समझ में आई कि असली कर्म हो का अब यही तो कुल यही कुल असली लगा था ना देखो तो भाई यहाँ चरी वहाँ चरी ओकरे बाद में बिल्कुल जो है सरजू भाई के घरे के बगल में चरी हाँ ये काम पक्का हुआ के हाँ नहीं देखो तो भाई इतना टाइट टाइट खींचता है ये टाइट टाइट खींच के बुद्धि के फिट करो ठीक ना प्रेरणा हो इनमें तनको दबाव नहीं हो स्वतंत्र बा ये नहीं बाकी ठीक ना लेकिन अगर न करबे तो शिव जी का अपमान हो जाए ना है और कर सकल आदमी इतना तो अनुभव हो गल बा कि एक जन्म में कर ही के बा नहीं कहे कि प्रभु साफ साफ कहता है सरजू बा कि शिव द्रोही मम दास कहावो असो नर सपने हूँ मोही न पावा जाने तब अगर समझ में बात आवा तो अगर वो रास्ते पर नहीं चल रहे तो भगवान के भक्ति कहाँ से मिली भाई हाँ यहाँ तो एक कोई पकड़े के तैयारो नहीं सरजू भाई बड़ा बढ़िया बुद्धिमानी करें जोन की एक पकड़ के कम से कम कंठी माला निकाल दें एक बात मान लें उतने में प्रभु खुश ठीक ने वो तो एकदम अति कृपालु है लेकिन यहाँ उन्हें माने के कोई तैयार कहे कि सबका बुद्धि मोह और महामोह में देखा जकड़ा बान है अब बतावे एक इन्हें संसार के प्राणी अब खींच पाइए और जो दुकान खोल के बैठा है वो कोई खींच पाई ठीक ने मरे समझे बदे अलग से कुछ नहीं बा हमें कहा कुछ हो बहन भाई राम सिंह भाई अभी अलग से कहा कुछ हो बहन नहीं तो साधारण बात बा कि 5 महीना रहो और तनको भार के जगह साधारण खिला देखो नहीं बा माने हर चीज से समझते हुए कहे कि विशेष विज्ञान बा ये विज्ञान के बहुत ऊपर का विज्ञान बा नहीं और शिव जी के प्रेरणा से होता नहीं तब कौन जरूरत बा बतावे ठीक तब उनका फिर अगर न और रास्ते पर चल जाए तो द्रोह न हो जाए तो कहाँ संतुष्टि मिली अब जाने तो सुनो बड़ा बढ़िया बात कहत है माता पार्वती जी कि गरुड़ महाज्ञा निगुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी अते ही के ही हेतु कागसन जाई सुनी कथा मुनि निकर बिहाई गरुड़ महाज्ञानी जने अब जे भगवान विष्णु का वाहक है बा नहीं तो कहू बेवकूफ है तो गरुड़ जी माता पार्वती जी कह रही है पंचम भाई माता पार्वती जी कह रही है
कि गरुड़ जी तो महान ज्ञानी और सद्गुणों के राशि ही है और श्री हरि यानी विष्णु जी के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले माने उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर इतना ज्ञानी मुनि बहन उनके समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी? नहीं, जहां पक्षी के राजा और जहां चंडाल सबसे चंडाल पक्षी कौआ है, अब वहां राजा जाकर के मुसहाने में राम कथा सुने, यह के आश्चर्य वाली बात नहीं बा सरजू बा जाने क्या करवे मेहरारू है इन्हें मेहरारू के बहुत अरे मेहरारू के का जब गरुड़ जी जो है कि भ्रमित हो सकल है तो नारी के तो खैर प्रभु का लीला बा ऐसा बनैले बा लेकिन बात कितना सही सही पूछा था इन नहीं तो कहु कवन विधि भाषम बादा अदोहरि भगत कागौर गादा। कहती है प्रभु मेरे नाथ जने जब मेरे रुवन के ने काम रहा ला तो खूब पटा पटा के बोली है नहीं ऐसा बाकी अब वो खत्म हो गल बा अब नहीं बा नहीं पहले ऐसा अनुभव रहा कि जब जरूरत पड़ी तो खूब पटा पटा के देखे आखिर के तोहरे अलावा हमार के बा आखिर के तो ही न ऐसा सोचबे ऐसा बचपन में अनुभव बा आप तो मालकिन हो गल बा अफसाद न हो तो न हो ने अब तो खाली आज्ञा देवे की जरूरत बात बस तू दौड़ो अच्छा ठीक बा चौन कुछ जवाब वहाँ नीचे को उतना बात न करे मुख जगह हुआ अब मतलब काफी बदल गया बा ने तब तो इनका बाणी तो एकदम जो की आग कितने लगत हुई नहीं को भाई पंचम भाई ये मलकिन बाब के दासी बने बदे कब है तो पूरा पलटे के पड़ी ने तो अच्छा लगी आए? अब कोई बैठा बा राज गद्दी पर और उसे कहता है कि चल के जो कि नाला साफ करो खैर समझो माता पार्वती जी कह रही हैं कि काग भुसुंडी जी और गरुड़ जी इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई महाराज नहीं स्वाभाविक बात बा राजा मुसहरे के यहाँ कैसे जाई नहीं यो के बात बान है लेकिन बहुत सरल भाव में पूछ रही है बिनती के साथ देखो बिनती से अगर कोनो बात पूछवा तो उसके समझावल जाए और ऐबे ताव में बगा ज्ञान का अभिमान लेकर के तो हटा यार बाबा यहाँ क्या मतलब का नहीं तो गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई अब बोले शिव सादर सुख पाई। तो माता पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर श्री शिव जी को बहुत सुख प्राप्त। जब सरल और पवित्र वाणी बोलबे तब सुख मिली और कपट और कड़वा बोलबे तो सुख मिली हाँ तो कपट से मुक्त होके पहले एकदम सरल और विनम्र वाणी बोले सीख जा ठीक ने तो सुख पा करके श्री शिव जी आदर के साथ बोले ठीक ने
नारी श्रद्धा और सम्मान के पात्र रही, लेकिन ऐसा रही है तब ने काउ करिए तो का श्रद्धा सम्मान कोई करी। राम सिंह भाई आजकल तो मेरठुओ करता है, मेरठुओ का माइयो आकर के परेशान करता है, मेरारू के बड़की बहनों आके परेशान करता है। आदमी जो नो इतना परेशान करवा तो नारी के श्रद्धा सम्मान के भाव से क्या देगी? हर जगह सब उल्टा पुल्टा होगा बा नहीं राम सिंह भाई देखा तो और अनुभव हो ठीक न तू भाया हुआ अब कहा गई। एक तो पंडिताने में जन्मो बा कुछ कह नहीं पाई लेकिन कहल अच्छा लगला सुनी ठीक। तो देखा जब अच्छा लगा शिव जी के यानी सुख मिला तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि धन्य सती पनमति तोरी और रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे सती तुम धन्य हो। कंफ्यूजन मत हुआ कि पार्वती के सती क्या को होता है ठीक न क्या है कि पार्वती हुआ हो जैसे श्री राम जी के चरण में पक्का हो अब ही कच्चा पनवा यही से सती कहते हैं कि भाई तू हुआ हो मतलब 5000 साल तपस्या करनी एक बाद इतना कथा सुन ली नहीं देखा समझो बात की है ना यही से हटा दे लेने क्या है कि कच्चा चीज के मिलेबे तो वो दिक्कत हो जाए भाई। कहते हैं शिव जी खुश हुए जब सरल और सुंदर यानी पवित्र बाणी सुने तब खुश हुए। तो आप लोग तो ऐसा बन जाए कि कोई सुंदर बोला पवित्र बोला अपवित्र बोला कौनो मतलब निष्काम सेवा के अलावा कुछ रखबा मत करे यार सफा सफा क्या करे अपन मन बुद्धि लगावा जाइए क्या कि के ई सीखे वाला बा ठीक ने। तो कहते हैं कि हे सती तुम धन्य हो और तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है ठीक न ऐसा जो बाणी बोली वही के बुद्धि पवित्र हुई ने। और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम अत्यधिक है। कम प्रेम नहीं अत्यधिक है लेकिन पूर्ण नहीं है। देखो शिव जी कभी कच्ची बाणी देवे वाला कम नहीं है अत्यधिक है लेकिन पूर्ण नहीं है ठीक न। और यहाँ कदम सीधा के भाई देखे हम पवित्र अनुराग रही तब वह काम तो मैं मोह के कहा आंस रही भाई ये पवित्र बा नहीं जब पक्का पक्का घी हो गया तो मैं नैनू के कहा एक एक कड़ रही अगर नैनू के कड़ रही तो देखो खराब ना कर देगी। हाँ यही से सब पका दे ले जाने अच्छा फिर मनिया से वो निकला ला काला काला कुछ ने वह काला काला रहला ना यह जब ज्ञान होला ना जब ज्ञान अग्नि हो जाला तो वह ममता रूपी मल वैराग्य में से निकला ला वैराग्य के बाद जब ज्ञान हुई जाने तो वह योग अग्नि प्रकट हुई अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी और सब कच्चा बाड़ी देके चला गया उतना कर टाइट हुआ है नहीं राम जी भाई तो इतना जान ले जैसे प्रभु श्री शिव जी कहते हैं कि हे सती तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है श्री राम जी के चरणों में कम प्रेम नहीं है अत्यधिक है लेकिन पूर्ण देखे अब सरजू भाई को समझ में आवा था कि काहे बताऊं
देखे भवा असली भाव तो देखा हुआ रहा। अब अपने बुद्धि से कल्पना करके कोई के खराब लगे तो अब उनमें जो है कि क्या कर सकल है नहीं, क्या कि आज समझ में आई कि एन कहाँ बाए समझ में आई जाई। तो अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक का भ्रम नाश हो जाता, जाने सारे लोक का, खाली धरती है कि नहीं, सारे लोक का, ब्रह्मांड के बाहर जाए वाला व्यवस्था बा, परम पद में विलीन हुआ वाला बा, ठीक ना। तो उपजई राम चरण विश्वास अभव निधि तर नर बिनहि प्रयास। जिसके सुनने से सारे लोकों का भ्रम नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। दृढ़ विश्वास देखे काफी हद तक आप लोगों को हो चुका बा, लेकिन भाई पूरा नहीं भाई, जान ले कहे कि इन कच्चे पर मोहर लगा वाला नहीं, ठीक ने लगे तो ठीक बिगड़ जाए बात। और जब दृढ़ विश्वास हो गया तब मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता। अब क्या करबे, ये विश्वास है कहीं देखेबे नहीं करो इतना दिन से। अगर आप जो कहल है कि गुरु अगर रहत तो जरूर होकर प्रचार हो, लेकिन ये कहीं बाय यही से देखा कहां से हो पाई, ठीक ना। तो ये प्रसंग तो हो काल जाने, लेकिन ठीक का मतलब का जितना सुन ले अब ब्रह्म के अवस्था में रह करके इतना समझो, पहले तो ये समझो कि ये हो के कुदाक रवि गुरु संतोष और सरोजा बहन के भाई ये अभी के है इनके, ये पर बहुत मनन करे है। राम भगत रत गद गत मद माया है, अत्यंत दुर्लभ प्राणी के वह व्यवस्था बन है। धर्मात्मा विरक्त ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्मलीन ओकरे बाद गत मद माया, माने मात्र श्री राम भक्ति में ही तत्पर और मद माया के कोनो जगह। देखो जितना बुद्धि बा कुल अपन लगा हो एकदम छूट बा, लेकिन पवित्र बुद्धि लगा है, बधा हुआ बुद्धि से विचार करबे तो कुछ हुआ वाला। तो शिव जी इतना कहत है कि ऐसी प्रश्न विहंग पति किन्हीं काग सन जाई असो सब सादर कही हूं असुनहू मां मन लाई। श्री शिव जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। ऐसे ही प्रश्न माने कि महाराज इतना व्यवस्था बा तू कौवा का शरीर कैसे पहले, जिसे वो कर रही है। देखा जब बुद्धि वहां तक पहुंची तब ने तो गरुड़ जी के बराबर का तो बुद्धि बा माता पार्वती के है ना, तब राम जी भाई के पीछे रही राम खिलावन भाई निषाद भैया। अब वहां चित्त हो के कहे कि दृढ़ विश्वास और परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग प्रभु के चरण में हो, एकदम अहम गल के एकदम कितना खत्म हो जाए तनको जगह नहीं। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हे उमा मैं वह सब आदर सहित कहूंगा
तुम मन लगा कर सुनो। क्या लगा कर? तो मन अगर कहीं रखे रहे काल आये, मन कहीं रखे मौत तन को तब तय आये जने, नहीं तो सुने का अधिकारी नहीं। अब धीरे धीरे कसत रहे ओकरे बाद में ने, अब वही पे टाइट रहो, फिसलत है का राम जी नहीं। तब वो संतोष गुरु अपन एक भाई और युक्ति लगाइए करिए ठीक ने। तो वह कथा का प्रसंग जो कि श्री राम जी के चरणों में पूर्ण विश्वास और दृढ़ अनुराग पैदा कर देगा, वह प्रसंग आप लोग जब अपना पूरा मन लेके आएंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सरजू भाई नहीं तो नहीं होगा। अब कहे कि अब यहाँ बात आर पार के बाद है, कहे कि मैं कमीशन चली तो इसी बाड़ी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम जी भाई सहित सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।